मैं कुछ मिसरे बोलूंगा, अच्छा आपने मुकम्मल करने हैं, और अगर हो सके शायर का नाम भी बता दीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। लेट्स ट्राई। बादशाह बैग में पैक करके दे देंगे आपको। ए मरी हमरक्स मुझको थाम ले। ये मिसरा मुकम्मल नहीं है। मिसरा मुकम्मल है, आपने दूसरा मिसरा मुकम्मल करना है। ए मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, मुझे ये पीने दे खुद भी जाम ले। लेकिन वो दूसरा मिसरा है, ए मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूँ मैं। वाह वाह। और ये मेरा ख्याल अंदाज है नून मीम राशिद। आए क्या बात। और ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे। खैर, फैज अहमद फैज। वाह वाह वाह। दो शादियां हुई। सुने फैज अहमद फैज। हाँ। बेफैज। काश मैं तेरे भुने गोश्त, मेरा मतलब है काश मैं तेरे भुने गोश्त में बुंदा होता। हाँ, ये इसी तर्ज पर वसी शाह साहब ने भी कहा, असल शायर मजीद अमजद गालिबन उनका नाम है। अरे वाह वाह, वसी शाह साहब के घर तक पहुंच गए। उधर काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, और ये भी काश मैं तेरे बुनगोश का बुंदा होता। होमवर्क ताड़ा पूरा है। लिखिया वसी शाह ने भी चंगा, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, मैं वेच के घर का किराया देना। मैंने इस तौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे। और मोहसिन नकवी गालिबन ये है। क्या बात, क्या बात है यार। अदाए खास से हुआ है नुक्ता सरा। दूसरा मिसरा अटक रहा है, लेकिन गालिब है ये गालिब है। आधे पहुंच गए। दूसरा मिसरा सलाए आम है याराने नुक्ता दां के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात के लिए, क्या बात है, मशहूर मिसरा। वाह वाह, इकरार ने सोचा है ना गालिब दा, पहले कहना चाहिए सी है गालबन गालब। नहीं साहब, अब आपकी बारी है, आपसे भी यही वाली गेम खेलेंगे, लेकिन मैं कुछ उनवान बताऊंगा, आपने कॉलम निगार का नाम बताना है। उनवान है हर्फ तमन्ना। आई थिंक ये इरशाद अहमद हकानी साहब। ओए होए 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 होए, एक तवील अरसा जंग का पहला कॉलम हुआ करता था ये। हाँ। और हर्फ तमन्ना भी गालिब की इस्तलाह है जी। अरे वाह, क्या बात। वो हर्फ कि जिसमें तमन्ना का इजहार किया जाए, जिसमें आरजू हो, जिसमें उमंग हो। रोजने जिंदा अताउल कासमी साहब। अरे वाह। और ये फैज साहब की इस्तलाह है, खुला जो रोजने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, जो जेल में उन्होंने लिखा था। वाह वाह, क्या बात जी। बिल्कुल, ये जेल में लिखा था, और इसका आसान मतलब ये है जेल की खिड़की। पुरसशे अहवाल, ये तो काफी अरसे से मेरे ख्याल छप नहीं रहा। अह फंस गए, फंस गए। लेकिन ये सारे आप जो है ना वो शोरा की तराकीब वाले कॉलम निकाल रहे हैं, ये गालिब की है, गालिबन गालिब की तरकीब है। गालिबन गालिब की। चलें हिंट दे दूं, हिंट दे दूं। जुगनी आलम लोअर द कलम। ए मेरे पीर वाली जुगनी जी, दम गुटकू दम गुटकू। चरसा ने बादशाह भी नहीं, चिमटे वाले बादशाह। किस तरह तू आखे ना दम गुटकू, बड़ा दिल कर दिया गल कुटकू। पुरसशे अहवाल, किसी का हाल पूछना, आगाही हालात से आगाही। जी जी, कहते तो एक और हिंट दे देते। हाँ प्लीज प्लीज। इनकी सगी बेटी, सगी बेटी बहुत बड़ी वेटरन आर्टिस्ट है, जिन्होंने अपने कॉलमों में साहिर लुधियानवी साहब के बड़े किस्से बयान किए, हमीद अख्तर साहब। क्या कैरेक्टर है, वाह वाह वाह। सवेरे सवेरे नजीर नाजी साहब। अरे वाह, उर्दू के बेहतरीन कॉलम निगार गिरेबान। मैं कोई है, द वन एंड ओनली सर मुन्नू भाई। वो कौन से कॉलम निगार थे जिन्होंने कंकरियां मारी हुक्मरानों को भी, सिविलियन को भी, और नॉन सिविलियन को भी। उधर तुम इधर हम, अब्बास। क्या बात, पहुंच गए। ते जांदे जांदे दसो गए तौफीकात कौन लिखता है, जेड़ा खाद ते पावियां दी ज्यादा गल्लां कर रहा है। खत कर दी आपने, खत कर दी। तो ऐसे खादी होगी हमारे हर दिल अजीज तौफीक बरसा। आहा क्या बात। ते फिर चलो जा ही रहे हैं, अभी दस दियो फुटपाथ। बहुत मुश्किल सवाल, कई दफा दसया, कई दफा। One and only Tyre Server. क्या बात, क्या बात।